हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो आज मैं और मेरे हवि दोनों का ही फास्ट है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को हैप्पी सावन। और मैं बहुत पहले वीडियो में भी कर चुकी हूँ आप लोगों को हैप्पी सावन, आज भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। मैंने थोड़ा सा सूट किया है पूजा करने के बाद थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और मैं घर पे आ गई थी, और घर पे आने के बाद मेरी बेटी बोली कि मम्मा मुझे अनार खाने हैं। तो मैंने उसके लिए अनार छीले और उसको दे दिए, और वो बहुत मस्ती के साथ खाती है। मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ऐसे कर कर के खा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सेकेंड सोमवार, तो मेरा फास्ट है। तो मैंने सेकेंड सोमवार का ही थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया हुआ है। मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था, मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का। और मैं सुबह मंदिर गई थी, मैंने थोड़ा सा वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और अब मैं जो मैंने एलोवेरा के क्यूब्स बनाए हुए थे, मैंने आगे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जो आगे मैंने वीडियो डाला था वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो मैंने ये कैसे बनाए थे वो मैंने उसमें दिखाया था, और आज मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और देखिए इसमें बर्फ जमी हुई है, आप लोग देख लीजिए। तो इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने फेस पे। और शाम को मैं बनाऊंगी आज व्रत वाली सब्जी, आलू की और पूड़ी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को कैसे कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। तो इसको अप्लाई कैसे करना है चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं एक क्यूब्स ले रही हूँ इसमें से। इसमें देखिए बर्फ जमी हुई है, देख लीजिए आप लोग। इसमें से हमें एक निकालना है, एक निकाल के और अपने फेस पे कैसे अप्लाई करूंगी, जैसे नॉर्मली हम लोग आइस क्यूब यूज करते हैं वैसे ही हमें फेस पे अप्लाई करना है। मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, बस लिपस्टिक मेरा रहता है एक, और DIY जो मैंने सीरम बनाया हुआ था वो रहता है बस, और कोई भी मेरे फेस पे मेकअप नहीं रहता है। तो मैं इसको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी, और इसको हम बाद में भी यूज कर लेंगे। और इसको मैं एक लगाकर मैं फ्रिज में रख दूंगी, और हम इसको बाद में भी यूज करते रहेंगे। ये काफी अच्छा है हमारे फेस के लिए। जैसे हम लोग नॉर्मली आइस क्यूब लगाते हैं वैसे ही अप्लाई करना, इससे हमारी स्किन काफी ज्यादा ग्लोई ग्लोई और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। मैं आ गई थी अपना इवनिंग का स्किन केयर करने के लिए। मैंने थोड़ा सा सूट किया है आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं सबसे पहले लगा रही हूँ टोनर। इसमें गुलाब जल भरा हुआ है, इसमें ओरिजिनल वाला ख़त्म हो गया है, और मैंने इसमें गुलाब जल भर लिया था। और फिर हम लगाएंगे सीरम जो मैंने आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर किया है। जे ये सीरम बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। और फिर हम लगाएंगे पपाया क्रीम, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने आगे आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है। तो इसको लगाते ही फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। आप लोग, मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत गर्मी है तो मैंने क्लेचर लगा लेती हूँ ऊपर बाल करके, और अब मैं मिस्टी को पढ़ाऊंगी, और फिर हम उसके बाद जाएंगे किचन में, फिर मैं आप लोगों को भी ले चलूंगी साथ में। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। मैं आ गई थी किचन में, और मुझे अब बनाना है डिनर समझ लो, चाहे व्रत वाला खाना समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। और मेरे हबी भी आ गए हैं खिड़की से, मैंने वीडियो में ही नोटिस किया है, और मैं बार बार खिड़की की तरफ देखी जा रही थी पर मुझे पता नहीं था मेरे हबी आ गए हैं। और फिर बाद में पता चल गया था, जब वो अंदर आए थे तब पता चल गया था कि वो आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, और आलू को भी छील के मैं हल्का सा मोटा सा मैश कर लूँगी, और फिर मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी।
मतलब लावरी नमक की बनाऊंगी, जो व्रत में नमक खाया जाता है उसकी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया है, घी डाला है, घी से ही सब्जी छौंक रही हूँ। और मैंने टमाटर को भी, मैंने और कोई जीरा हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, बस सीधा टमाटर डाल दिया है। टमाटर अच्छे से भुन जाएगा, भुनने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम, मैंने काली मिर्चें खल में कूटी हुई हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, और मैंने एक हरी मिर्च इसी में पीस ली थी। और ये सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी बनी थी, वैसे अगर हम लोग नॉर्मली बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन व्रत में बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया था और इसमें अच्छे से बॉयल आ गया था, फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। बस बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और फिर हम बनाएंगे पूड़ियाँ गर्मा गर्म, फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें मैंने व्रत वाला नमक भी डाला था। यहाँ मैं आटा लगाने के लिए आ गई हूँ, और मैंने आटे को लगाकर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं अगर हम लोग 15-20 मिनट के लिए आटा लगाकर रख देते हैं। रोटी या पूड़ी कुछ भी बनाओ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैं सारी इकट्ठी सेंक लूँगी, सारी साथ में ही खाएँगे हम दोनों लोग। तो यहाँ पर मैं सारी पूड़ियाँ सेक कर और फिर हम लोग खाना खाएंगे, तो आप लोगों को म्यूज़िक में लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेकने लगी हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया है और हम सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। मिस्टी अपना घूम रही हैं इधर से उधर, और पापा भी कुछ रखने आए थे। तो यहाँ पर मैं किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन मांजूँगी, बर्तन मांजने के बाद मेरा भी काम कंप्लीट हो गया है। और जल्दी खाना खप गया था, कम से कम हुए होंगे 8:15 के लमसम हुए होंगे, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कितना अंधेरा हो गया है बाहर देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है, अब बस बर्तन मांजूंगी। वो भगोना किसका रखा है, आज मैंने मलाई निकाली थी तो मैं भर के रख देती हूँ, दूसरे दिन साफ़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं बर्तन लगाने लगी हूँ। और
मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉच।